सब इंस्पेक्टर के लिए ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में छह मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें हम 120 क्वेश्चन करते हैं 150 मार्क्स रहे का रहेगा जैसा हमारा एग्जाम का पैटर्न है ये जो सीरीज़ है तैयारी फिर से के अंदर हम लोग करवा रहे हैं जिसमें आपका जो सेफ स्कोर है वो है 99 प्लस 99 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो डेढ़ सौ में से तो आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे ये बहुत सेफ़ स्कोर रहेगा ठीक है अगर आपको पी चाहिए तो आपको मेरे चैनल की मेम्बरशिप लेनी है इट विल कॉस्ट यू ओनली फिफ्टी नाइन ठीक है पी आपको पूरा मिल जाएगा जो भी इस चैनल पे मैं जो भी कंटेंट बनाऊँगी उसके पी आपको मिल जाएंगे इसके अलावा बहुत सारी सीरीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी है अगर आपको फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट चाहिए वो अवेलेबल है फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का चाहिए तो भाई इसकी भी एक अलग से प्ले है आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो आपको वी का चाहिए तो वहाँ पर इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर मैंने करवाए हुए हैं वहाँ पर चेक कर लेना इंडियन पॉलिटी की सीरीज है और मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज है आप वो चेकआउट कर लेना एक बार ठीक है स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना ईस्ट ऑफ अक्साइचिन नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ ले नॉर्थ ऑफ गिलगित नॉर्थ ऑफ नुबरा वैली तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ ठीक so, है तो सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ नुबरा वैली ये है नॉर्थ ऑफ नुबरा वैली सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ठीक है अभी इसकी जो है सबमिट भी होने वाली है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी सबमिट कहाँ पर होने वाली है एस सी ओ केम इंटू फोर्स इन टू हमें पता है कि एस जो है दो में एग्जिस्टेंस में आया था लेकिन इसकी क्रिएशन से पहले 2001 से पहले यहाँ पे शंघाई पाँच जो है वो चल रहा था शंघाई फाइव करके ग्रुप का नाम है वो चल रहा था आपने बताना है इनमें से कौन सा शंघाई फ़ाइव का मेंबर नहीं था आपने ये बताना है रशिया पाकिस्तान चाइना कजाकिस्तान ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली मैंने द हिंदू से ही उठाया है ठीक है तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें से जो मेंबर नहीं था वो है पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान बी विल बी द करेक्ट आंसर अब कौन कौन मेंबर था रशिया तो मेंबर था ही चाइना भी था कजाकिस्तान था किर्गिस्तान था और यहाँ पे तजाकिस्तान था ठीक है ये पांच मेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं सो so, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी पाकिस्तान नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी टेंथ सिख गुरु हैं सिखिज़्म में इन्होंने कमांड किया सिख को कि आपको पांच आइटम पहननी है ऑल द टाइम इनमें से वो पांच आइटम में से कौन सा नहीं है केश कारा कंगा किला तो इसमें से जो नहीं है वो क्या है वो है किला किला की जगह यहाँ पे आप कचेरा करके एक है इनका जो क्या होता है ये होता है एक शॉर्ट अंडर गार्मेंट ठीक है तो ये है तो ये पांचों आइटम के नाम आपको याद रखने हैं ठीक है सो तो यहाँ पे हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है कार्बन डेटिंग एक मेथड है अ वीक C14 मॉलिक्यूल डीटोराइट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कार्बन डेटिंग में जो C14 मॉलिक्यूल है वो खत्म हो जाता है और खुद को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें C16 में C11 में N14 में N12 में ये खुद को ट्रांसफर करता है N फोर्टीन में सो so, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन फोटिंग जो मैथ कार्बन डेटिंग फोटिंग जो मेथड है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी इसको यूज किया गया था ये आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी का नाम आपने बताना है विच इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी आपको हिप में मिलेगी और उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस सो यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से मलेरिया का वेक्टर आपने बताना है मलेरिया किस मच्छर से फैलता है तो वो किससे फैलता है एडीज मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो सैंड फ्लाई या फिर फ्लीस इसका जो आंसर है वो है फीमेल एनीफिलूस मॉस्किटो सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं ना आपके वहां से मैंने लिए हैं ठीक है थीके? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में सो जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड कनारा बैंक एस या फिर इंडस इन बैंक इसका जो आंसर है वो है डी इंडस इन बैंक और इसको बनाया गया था नाइनटीन में ये आपको याद रखना है सो डी विल बी द

फिफ्थ सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी सो ए विल बी द करेक्ट आंसर गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने एग्जीक्यूट भी करवाया था अगर आपको याद है तो ठीक है तो ये हो गया ए गुरु गोबिंद सिंह जी कौन से सिख गुरु हैं ये टेंथ सिख गुरु हैं गुरु अमरदास जी थर्ड सिख गुरु हैं और गुरु रामदास जी फोर्थ सिख गुरु हैं और उसके बाद आते हैं अर्जुन देव जी जो कि फिफ्थ सिख गुरु हैं अगर छठे सिख गुरु की बात करें वो है गुरु हर सिंह जी गुरु हर गोबिंद सिंह जी फिर उसके बाद आते हैं सेवंथ हर राय जी फिर इसके बाद आते हैं हर कृष्ण जी एट्थ नंबर पे, फिर आते हैं तेग बहादुर जिनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवाया था फिर आते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ठीक है ये या आपको याद रखना है और पहले जो फाउंडर हैं वो कौन है वो है गुरु नानक सिंह जी और सेकंड जो है वो है गुरु अंगद देव जी

सिंबल है वो है सी यू और एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी नाइन तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा जो सब ऑडिटर का एग्जाम हुआ था वहां पर ऐसे सिंबल्स वगैरह पूछे थे ए विल बी द करेक्ट आंसर और जूनियर असिस्टेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्टिकल थर्टी फाइव ए इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ऑर्डर के द्वारा जो प्रेजिडेंट का ऑर्डर था राजेंद्र प्रसाद जी का और किसकी एडवाइस थी जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट की एडवाइस थी और ये कब हुआ था 1956 में 59 में 54 में 50 में अब जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो इस बार का जो जेकेपी पी एस आई का जो पेपर हुआ उसमें सारे एग्जाम आपसे सारे क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट पूछ लिए हैं तो अब आपको हिस्ट्री बेस्ड में भी क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो वो आप अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1954 में ये ऑर्डर हुआ था सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है एग्जैक्ट uh, डेट की अगर हम बात करें इट वॉज फोर्टीन मे नाइनटीन और अभी जो ये प्रेसिडेंट का असेंट मिला है 2019 वाले को ये क्वेश्चन आया भी था ये है 9 अगस्त 2019. ठीक है और सबसे पहले ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था अमित शाह जी के द्वारा और फिर लोकसभा में एंड फिर 9 को इनकी असेंट जो है वो मिल गई थी ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को इसका जो आंसर है वो है बोलोमीटर बोलोमीटर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बोलोमीटर को 1878 में किसने डिस्कवर किया था किसने बनाया था साम्यूल लैंगले ने ठीक है ये भी आप थोड़ा थोड़ा सा अगर देखते चलो तो ज्यादा बेटर होगा सो so, यहाँ पे जो आंसर है वो है डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी द ऑफ जब कौन गवर्नर जनरल था लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वॉइस रॉय भी था ठीक है तो वो कौन था बेंटिक था वेल्सले था डलहोजी था या क्निंग था इट वॉज लॉर्ड निंग और उस टाइम पे जो क्वीन थी इट वॉज विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है जेके पी एस आई एग्जाम में याद रखना ठीक है कंफ्यूजन हो सकता है सो इट इज क्वीन विक्टोरिया सो डी जो है सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है ये किसका केमिकल फॉर्मूला है किस सब्सटेंस का ग्रीन विट्रोल व्हाइट विट्रोल ब्लीचिंग पाउडर ब्लू पाउडर इसका जो आंसर है गाइस वो है वाइट विटरोल सो बी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेड जेड एंड एस फोर एंड सेवन एच टू ओ ठीक है सो ये हो गया हमारा आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से रूलर ने हाइएस्ट और बिगेस्ट गेट वे ऑफ विक्ट्री बुलंद दरवाज़ा बनाया है तो वो कौन है और वो है हमारे क्या मोहम्मद गौरी है अकबर है औरंगजेब है या जहांगीर है इट इज़ इट इज़ अकबर अकबर ने बनवाया था जब इनकी गुजरात में विक्ट्री हुई थी तो इन्होंने ये बनवाया था लेकिन गुजरात में नहीं बनवाया था ये फ़तेहपुर सिकरी यूपी में बनवाया था और कब बनवाया था फिफ्टीन में ये डिफरेंस याद रखना विक्ट्री गुजरात में हुई थी लेकिन बनाया फ़तेहपुर सिकरी यूपी में था ठीक है जी सो बी जो है अकबर जो है सही आंसर हो जाएगा अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बी करवाई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये आपको याद रखना है और फर्स्ट में कौन था फर्स्ट में था बाबर ठीक है और थर्ड में था अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली ठीक है मोहम्मद गौरी की बात करें तो इन्होंने बैटल ऑफ तेरान लड़ी थी 1191 में 1192 में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था 92 में गौरी जीत गया था ठीक है इसके बाद औरंगजेब औरंगजेब की बात अगर हम करें तो हमने देखा कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो है वो औरंगजेब ही था और मराठास के साथ इनका काफ़ी युद्ध वगैरह हुए और इन्होंने क्या किया था तेग बहादुर को एग्जीक्यूट भी किया था नाइन्थ सिख गुरु और जहांगीर ने अर्जुन को किया था अर्जुन देव जी को फिफ्थ सिख गुरु बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है पुअर विजन इन ह्यूमन ये कि किसकी डेफिशेंसी से हो सकता है जो आंखों में विजन uh, है जो दिखाई कम देता है वो किसकी कमी से होता है सो so, वो होता है गाइज किसकी कमी से कमेंट बॉक्स में बताओ इट इज विटामिन ए विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है रेटिनोल रेटिनोल नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है विटामिन ए की कमी से या फिर जीरो जीरो फ्लिथेमिया भी होता है ये या आपको याद रखना है ठीक है और आपको ये याद रखना है कि विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मार्क करके रख लो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ठीक है तो ये लीवर में स्टोर हो सकता है और क्या क्या आप सोर्सेज हैं जिससे विटामिन ए को आप अच्छा कर सकते हैं अपनी बॉडी में फिश लीवर ऑयल आप खा सकते हैं मिल्क एग और योक वगैरह स्पिनिश वगैरह टमाटोज वगैरह इनसे आपकी जो आई साइट है वो अच्छी हो जाएगी वाइटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं सनशाइन विटामिन क्योंकि ये सन की हेल्प से आपको मिल सकता है डायरेक्टली ठीक है और इसको कैलसी फिरोल कहते हैं कैलसी फिरोल भी कहते हैं इसका जो नाम है वो कैल्सी फिरोल है और ये भी बटर मिल्क एग वगैरह खाने से आपको सोर्सेस जो है अच्छे मिल जाएंगे विटामिन डी की कमी से बोन्स और बोन्स में जो है वीकनेस आती है बोन्स वगैरह में और टीथ में भी आती है ठीक है टीथ में और इससे क्या कॉज हो सकता है इससे आपको रिकेट्स हो सकता है माइक्रोसाइलिक अनिमिया हो सकता है तो आपको ये याद रखना है रिकेट्स याद रख दो आप ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है सो so, ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट जो है वो है इनमें से कौन सा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक है इनमें से कौन सा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इसको कहते हैं तो वो हम कहते हैं सिस्मोलॉजी को और सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो उसको स्टडी करता है सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा SI यूनिट क्या होता है इट इज़ इट इज ये किसका सिंबल है ओहम का सो ए विल बी द करेक्ट आंसर सिंबल्स याद कर देना इनके ऐसा SI यूनिट याद कर देना अच्छा इनमें से कौन सा बेसिक ग्रुप का मेंबर नहीं है बेसिक ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडिया ब्राज़ील तो ये हो गया ब्राज़ील आपके पास ये हो गया साउथ अफ्रीका ये हो गया इंडिया यो गया चाइना तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर सो ये हो गया हमारा सी और 2009 में इस ग्रुप को बनाया गया था नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फ्रॉम विच सिटी डिड जीवन रक्षा द वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी ऑन सिक्सटीन जुलाई नाइनटीन तो कौन सी सिटी से जीवन रेखा ने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को और ये वर्ल्ड का फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन था

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट सो इसको कब बनाया गया था गाइज इसको बनाया गया था ट्वेल्थ जुलाई 1982 को ट्वेल्थ जुलाई 1982 को एंड मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सी है चिलिका पेंगोंगसो उड़िया सो so, एज वी ऑल नो कि बांदीपुर कश्मीर में जो है वूलर लेक सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की सो so, बी जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी दिया ना तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब चिली का लेक कहाँ पर है चिली का लेक है उड़ीसा में भितरकनी का नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है पेंगोंगसो सो कहाँ पर है ले में हामिस नेशनल पार्क यहीं पे और उड़िया सागर जो है वो राजस्थान में है ठीक है जयपुर उदयपुर राजस्थान में है जयपुर पिंक सिटी को कहते हैं और आपको याद रखना है कि यहाँ पर डेजर्ट जो है नेशनल पार्क यहीं पर है ठीक है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर द मुगल एम्पररRuled India from 1605 until his death in 1627 तो जहांगीर कौन से नंबर का मुगल राजा रहा है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखने हैं इन सब के, तो ये कौन से नंबर का रहा है ये है फोर्थ फोर्थ नंबर का अब बात करते हैं शुरुआत से सबसे पहले बाबर फिर हुमायूं फिर अकबर फिर जहांगीर जहांगीर का पुत्र शाहजहां और इनका बेटा औरंगजेब ये आपको याद रखने हैं इसके बाद वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखो। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हमें पूछा गया था ये वाला सो so, डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज़ विच बैंक इन 1955. अभी पीछे मैंने आपको बोला था एक बैंक के बारे में जानने के लिए कि उसका पुराना नाम क्या था तो इट इज़ एस बी आई एस बी आई को नाइनटीन uh, फिफ्टी से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक करके भी अगर आपको आएगा तो इट इज़ एस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा विटामिन जो है सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी में प्रिपेयर होता है तो अभी मैंने बताया था आपको सनशाइन विटामिन जो है वो हम किसको कहते हैं कैलसी को और कैल्सी किसका नाम है इट इज़ विटामिन डी विटामिन डी का नाम है तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा ए को क्या कहते हैं रेटिनोल अभी हमने नाइट ब्लाइंडनेस देखा वो किसकी मदद से वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है विटामिन ए की विटामिन सी आपका जो ए का एग्ज़ाम था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम वहाँ पे विटामिन सी के बारे में पूछा था विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ये आपको याद रखना है और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमारे जो टीथ हैं गम्स हैं जॉइंट हैं उनमें फ़र्क पड़ता है ठीक है और हीट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो विटामिन ए जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और विटामिन ए हमें किन फ्रूट्स में मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में और सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं लेमन हो गया ऑरेंज हो गया ये हमें गावा में मिलता है आमला मिलता है टोमेटो पोटैटो इन सब में ये हमें मिलता है और स्कर्वी जो रोग है वो इसी से होता है ये आपको याद रखना है विटामिन बी विटामिन बी तो बहुत सारे हैं विटामिन विटामिन बी वन जो है वो थियामा थियामाइन है फिर बी टू जो है रिबोफ्लामिन है बी थ्री नियासिन है बहुत सारे हैं विटामिन बी वन की बात करें तो इससे बैरी बैरी डिजीज़ होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट बी वन से बैरी बैरी डिजीज़ ये वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आ भी सकता है थियामाइन ठीक है पे लिख देती मैं। है बेंगलुरु टेम्पल इन कर्नाटका इज द मोस्ट एक्स्ट्रा विजेंट आर्किटेक्चुअल शो पीस ऑफ हम्पी तो ये कौन सा टेम्पल है ये आपने बताना है टेम्पल का नाम मीनाक्षी लिंगराज विथल या फिर अक्षरधाम इसका जो आंसर है वो है सी विथल ठीक है विथल टेम्पल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है इसको बनाया किसना है किसने है देवराया टू ने और देवराया टू कौन से एम्पायर का राजा है द वेरी फेमस द विजयनगर एम्पायर ठीक है द विजयनगर एम्पायर की कैपिटल वॉज हम्पी ये क्वेश्चन एक, एक एग्जाम में आया था आई थिंक के एस एग्जाम में आया था ठीक है द विजयनगर एम्पायर और हम्पी इसकी कैपिटल है सो सी विल बी द करेक्ट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनमी इनमें से क्या चीज़ टर्शरी सेक्टर में आती है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीन तरीके के सेक्टर होते हैं ना तो इसमें से क्या आएगा इसमें से आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों क्योंकि यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो टर्शरी सेक्टर में होती है सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं मैनूफेक्चरिंग करते हैं और प्राइमरी सेक्टर में हम लोग रॉ मटेरियल्स वगैरह देखते हैं सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच इकोनॉमिक सिस्टम जो गवर्नमेंट है डिसाइड करती है कि गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने हैं सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग तो वो कौन सा सिस्टम होगा कैपिटलिस्ट मिक्स ट्रेडिशनल इट इज़ सोशलिस्ट सोशलिस्ट मॉडल में हम लोग ये देखते हैं सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको पब्लिश uh, करती है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर अभी के टाइम पे कौन है फाइनेंस मिनिस्टर वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रख दो एक रुपये का नोट पर किसका सिग्नेचर होता है एक रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इस पर होता है आपके फाइनेंस सेक्रेटरी का फाइनेंस मिनिस्ट्री कहीं पर होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है तो इसका जो आंसर है वो है सी अच्छे से इसको देख लेना ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन से फाइव ईयर प्लान ने रिकोगनाइज किया था ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट सेकेंड एर्थ नाइन्थ इट वॉज द एट्थ फाइव ईयर प्लान जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत फोकस किया था सी विल बी द करेक्ट आंसर आपने बताना है प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था और नीति आयोग को कब बनाया गया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है a system of ऑफ रूल्स दैट टेक्स इफेक्ट a military अथॉरिटी टेक्स कंट्रोल ऑफ द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जब आर्मी तख्ता पलट कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं कूप कहते हैं स्ट्राइक कहते हैं मार्शल लॉ कहते हैं या पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह, प्रिजनर कहते हैं नहीं सो so, तख्ता पलट की बात नहीं हुई है यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जब उसको जब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको पुलिस या बाकी लोग ना देखते हुए जब मिलिट्री का रूल लग जाता है तो उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं ठीक है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर जब मिलिट्री तख्ता पलट करती है उसको हम लोग कूप कहते हैं ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें इसमें ला आएगा कूप के साथ कंफ्यूज नहीं होना इन्होंने कहा है नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर देती है मिलिट्री अथॉरिटी ठीक है तो वो हो जाएगा सी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रेजिडेंट पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर इसका जो आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर ये एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो प्राइम मिनिस्टर की ही होती है हमारे देश में ही आप देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वट ऑफ डिसीजनस जो हैं वो केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉस के बेस पर लिया जाता है अगर आपने टेंथ क्लास की सिविक्स पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आया हुआ है एन से ठीक है अच्छे से देख लिया करो एनसीआर को पढ़ा करो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन आर यूजअली बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉसेज उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल ठीक है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर प्रूडेंशियल सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से क्या हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं अमेंडमेंट का जो आर्टिकल होता है वो होता है 368. सिक्सटी एट वेरी इंपॉर्टेंट तो क्या हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करेंगे इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट फोर पार्ट आर्टिकल वेरी सो ए ही जो है इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अभी तक मतलब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो आप कितने टाइम तक उसको रख सकते हो छः महीने बारह महीने चौबीस महीने कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगी है और इसका कोई मैक्सिमम पीरियड भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया हुआ है सो डी विल बी द करेक्ट आंसर कंफ्यूज नहीं होना है इसमें छह महीने में ठीक है वो बाकी इमरजेंसीज़ हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपने जेकेएस एस एग्जाम इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार ही ठीक है इस बार ही जो एग्जाम हुआ था तो आप इसको अच्छे से देख लेना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज़ क्या ये पार्टिसिपेट करते, है? हाँ. 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 करते हैं जी हाँ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ ऑफ़ स्टेट जी हाँ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ दिल्ली एंड पुडुचेरी जी हाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं सो डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाबर ने भारत में कब इन्वेड किया था 1530 में 20 में 26 में 50 में बाबर आया था बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी हार गया था ठीक है सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेटल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया था वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन हम सबको पता है इट वाज द आयरन आयरन था सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेड फोर्ट को किसने बिल्ड किया था हु बिल्ड द रेड फोर्ट हुमायूं अकबर शाहजहां औरंगजेब ये जो क्वेश्चन है ये अभी अभी जेके एस एस के किसी ना किसी एग्जाम ने पूछा मुझे याद नहीं आ रहा आई थिंक आई थिंक वो सब ऑडिटर वाला ही एग्ज़ाम था या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन और वो जो वुमेन बटालियन का भी एक एग्ज़ाम हुआ था अभी वहाँ पर भी पूछा गया था तो कितना छोटा सा क्वेश्चन और कितना बेसिक सा है बट बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं रेड फोर्ट को बनाया था शाहजहां ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है और सिक्सटीन में बनाया था ये ईयर भी पूछा जाता है सी विल भी द करेक्ट आंसर बाकी क्रोनोलॉजिकली मैं आपको बता चुकी हूँ उन सबका जो भी था ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनाया है और ताजमहल यमुना नदी के किनारे हैं ये भी आपको याद रखना है नदियों के नाम पूछे जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ह्यून सेंग ने आ, इंडिया में कब विजिट किया था किसके टाइम पे विजिट किया था जलालुद्दीन जहांगीर हर्षवर्धन या फिर पांड्यास ह्यून सेंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे सो सी विल बी द करेक्ट आंसर पुलाकेलाकेन सेन द्वितीय पुलाके सेकंड के साथ हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी ठीक है तो ये आपको याद रखना है सी सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपको बोला था ना कहाँ गया वो एक सेकेंड ये ना ह्यून सेंग इसकी एक किताब है वो आती है आपको जब इसने ट्रेवल किया सी यू की सी यू की इनकी एक किताब है ये भी आपको याद रखनी है चाइनीज पिलग्रम सेट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर म्यूटनी, पॉयटनी डिगामा रीच इंडिया बाबर स्टार्टेड मुगल डायनेस्टी। 1526 में हुआ था बाबर जब यहाँ पे आया वास्को डिगामा 1498 में आया सीपॉय म्यूटनी 1857 में हुई तो ये हो गया टू थ्री और वन ये हो गया ये सी वाला ठीक है सी ये एबीसी ऊपर नीचे हो गया पर इसको अच्छे से देख लेना कौन सा वाला इसका आंसर है ठीक है तो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा planet farthest है फ्रॉम द सन क्योंकि अभी नासा ने ठीक है रिसेंटली आपने उस हब, आपने उस टेलीस्कोप का नाम बताना है क्योंकि वो हबल टेलीस्कोप नहीं है नया है उसका नाम बताओ जिसने जुपिटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा खोज करके हमें दिखाई यहाँ पे पानी जैसा कुछ दिखाया कुछ बहुत सारी इसकी गैलेक्सी भी दिखाई कुछ अलग सी ठीक है कुछ कुछ दिखाया बहुत सारे मून्स वगैरह भी दिखाए तो आपने प्लानिट्स को भी अच्छे से पढ़ के जाना है इस बार ठीक है तो प्लानट जो है कौन सा प्लानट सन से सबसे दूर है सैटर्न जुपिटर नैपचून यूरेनस इसका जो आंसर है वो है नैपचून नैपचून को ब्लू ब्लू कलर का है ये ठीक है और क्यों है ब्लू क्योंकि यहाँ पर मीथेन पाया जाता है ठीक है सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ओशन में व्हाट इज बेंथोस जे के एस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या ही बताऊं इसके बारे में बेंथोस कहाँ पर पाया जाता है एट द बॉटम ऑफ ओशन एट द अपर सरफेस ऑफ ओशन इन एन एनक्लोज एरिया ऑफ ओशन अलॉन्ग द शोर बेंथोस पाया जाता है एट द बॉटम ऑफ ओशन ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है एक ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाई जाती है बॉटम ऑफ ओशन में अब बेंथोस के साथ एक और टर्म है वो है बेंथिक ठीक है ये बेंथोस और बेंथिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जो बेंथिक है वो एट द अपर सरफेस ऑफ ओशन में पाया जाता है सी फ्लोर पर पाया जाता है ठीक है इसका डिफरेंस याद रखना बच्चों के गलत भी हो गया था क्वेश्चन इसमें अभी अभी जो जुलाई इकतीस को एग्जाम हुआ है ये उसकी बात हो रही है ठीक so, है सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कॉन्टिनेंट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड है ठीक है एक है रिंग ऑफ फायर उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना रिंग ऑफ फायर आपको मिल जाएगा जापान के साइड पे पैसिफिक ओशन में ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है करेक्ट so, आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जोग फॉल्स जोग फॉल्स जो है इनमें से कौन सी रिवर पर लोकेटेड है नर्मदा कृष्णा गोदावरी शरावती जोग फॉल्स जिसको जेरोसोपा फॉल्स भी कहते हैं ये शरावती रिवर पर लोकेटेड है एंड इट इज़ इन कर्नाटका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अम्यूब्या अपना खाना जो है वो डाइजेस्ट कहाँ करता है कहाँ पूछा है वेयर ठीक है वेयर है तो फूड वैक्यूल में करता है किसकी मदद से करता है सियोडोफोडिया की मदद से ठीक है फाल्स फीट होते हैं ये ठीक है तो किसकी हेल्प से करता है तो ए और कहाँ करता है तो फूड वैक्यूल में तो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फीमेल uh, गैमेट्स को क्या कहते हैं फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग क्या ओवा या फिर एग सो so, ये हो गया आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है तो वो कौन सा है गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी इट इज़ प्लास्टिड प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है एनिमल्स में नहीं मिलता सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मसल्स जो है बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंडन लिगामेंट न्यूरॉन एडिपोज इसको हम टेंडन कहते हैं सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच कॉन्टेक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है वो कौन सा होता है इट इज़ फ्रिक्शनल मोशन फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अच्छे से इसको दसवीं क्लास में पढ़ चुके हैं सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा लॉ या कौन सा प्रिंसिपल कहता है वेन अ बॉडी इज इमोस्ड फुल्ली आर पार्शली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस इज एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फुल्ली डिस्प्लेस्ड बाई इट ठीक है तो इसका क्या आंसर है ये है ये है आर्कमिडीज प्रिंसिपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने इसको इलेवंथ में है शायद आपको ये ठीक है टेंथ इलेवंथ में होगा सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है आपके पास इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है स्कैनर जॉयस्टिक प्लॉटर तो इसका जो आंसर है वो है ओनली थ्री प्लॉटर नहीं है बाकी ये जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है टार्टारिक एसिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड्स पर क्वेश्चन आते हैं सो टार्टारिक एसिड कहाँ पे नहीं पाया जाता है तो so, इसका जो आंसर है वो है आपके पास डी क्योंकि ये एसिड फ्रूट्स में पाया जाता है ठीक है फ्रूट्स में पाया जाता है और ये जो है ये तो वेजिटेबल है सो so, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इन अ पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन इन अ पीरियड नंबर ऑफ किसका नंबर जो है वो सेम रहता है ठीक है वो आपने बताना है इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का शेल्स का न्यूट्रॉन्स का प्रियॉडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं इनमें से क्या चीज़ सेम रहती है तो वो है आपके पास शेल्स सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरमेंट का अबायोटिक और बायोटिक पे क्वेश्चन आ चुका है अभी भी आया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया था जेके पी एस आई में आया था और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो अबायोटिक कौन हो जाएगा इट इज़ वाटर ओब्वियसली ठीक है तो वाटर इज़ अ अबायोटिक कॉम्पोनेंट और वाटर के साथ आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो भी रेज वगैरह होती हैं तो ये सब जो है वो अबायोटिक में आती है सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राबी क्रॉप नहीं है इनमें से कौन सा राबी क्रॉप नहीं है बार्ले वीट ग्राउंड नट या फिर मस्टर्ड इट इज़ अ ग्राउंड नेंट विच इज़ नॉट अ राबी क्रॉप सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेजर को किसने इन्वेंट किया था लेजर को किसने इन्वेंट किया था गाइज इट इज टी एच माई मन एच माई सो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ट्विडल किस गेम से एसोसिएट करता है स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन है ट्विडल किस गेम से एसोसिएट करता है इट इजल टेनिस ए विल बी द करेक्ट आंसर टेबल टेनिस नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मधुबनी एक फेमस फोक पेंटिंग है कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है ये बिहार पटना से बिलोंग करती है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर सी क्योंकि पीछे सी है ना यहाँ पे देख के करना मैथिली जो है इसको मेथिली पेंटिंग भी कहते हैं ठीक है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ वन जीरो एट आर प्राइम नंबर अब थोड़ा मैथ और रीजनिंग एक कॉम्पोनेंट को हम देख लेते हैं कह रहे हैं कि एक सौ आठ के कितने फैक्टर्स हैं जो प्राइम नंबर में आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से कर ही लेते हैं हम लोग ठीक है टू फाइव जर टेन टू फो जो एट टू टू जो फोर टू समर फोरटीन इसके बाद थ्री से कर लेंगे थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ार नाइन और थ्री वन ज़ार थ्री अब टू भी तो प्राइम नंबर है और थ्री भी तो प्राइम नंबर है और कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव जो है इसके प्राइम नंबर आ जाएंगे टू भी प्राइम है ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद हाइट सिक्स सेंटीमीटर इज टू थर्टी वन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आपने रेडियस बताना है सिलेंडर का तो इसका रेडियस क्या निकलेगा हाइट जो दी है वो आपको सिक्स सेंटीमीटर दी है सिलेंडर की हाइट ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो वो होता है आर पाई आर स्क्र एच ठीक है पाई आर स्क्र एच तो अब यहाँ पे हमें दिया है 231 ठीक है ये हमें पहले से ही दिया है 231 थर्टी वन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर दो तो भाई साहब आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा और एच हमारे पास छः दिया है जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा आर को इधर ला लो थ्री टू थर्टी वन मल्टीप्लाई सेवन अपॉन ट्वेंटी टू बाई छः इसको जब आप सॉल्व करोगेगा 12.25 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट को हमने हटाना है तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे दो जीरो आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो जीरो हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे it, you will get 35 by 10, और जब हम पॉइंट को जीरो को फिर से ऊपर लाएंगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर इट इज 3.5 सेंटीमीटर सो डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ डायगनल ऑफ अ स्क्र वो जीरिया वो जीरिया सिक्सटी मीटर स्क्वायर तो ये क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर आता है निकालने एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन टू जब हम इसको फिल करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया आपको 64 दिया है ठीक है 64 इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन टू या ऐसे रहेगा टू को यहाँ पे ले जाओ टू को जब हम यहाँ पे ले जाओगे सिक्सटी

Uh, आपने क्या निकालना है इसमें अमाउंट ए ने बोरो किया है ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट परसेंट पी ए इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अगर फाइव सेवन एट जीरो पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो सेकेंड ईयर के एंड पे देना है वो क्या होगा वो पूछा है आपसे ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी ए कंपाउंडेड एनुअली जो आपका ये फार्मूला लगाना है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का वन प्लस पी अपॉन हंड्रेड स्क्वेयर ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ ये ये दिया है ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू ये हम ऐसे ही रखेंगे ठीक है वन प्लस आर की जगह कितना है हमें एट परसेंट दिया हुआ है रेट एट परसेंट दिया हुआ है और ए एक साल का है तो वन अब जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू एट 500 जीरो जीरो मल्टीप्लाई वन ज़ीरो एट अपॉन हंड्रेड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा थ्री जीरो सेवन एट ज़ीरो ठीक है यहाँ तक निकाला अभी कहाँ पे लिखूँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ठीक है अब जो सेकेंड ईयर के लिए हमने अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर के लिए वो क्या निकालेंगे ये जो हमारे पास अमाउंट निकला है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे फाइव सेवन टू जीरो को तो ये हमारे पास कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है रिक्वायर्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड एंड ऑफ सेकेंड ईयर यहाँ पे दिया ना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो निकालना है तो वो हमारे हमें कैसे निकलेगा ये जो अमाउंट हमारे पास निकला है पच्चीस हजार पच्चीस हजार में हम ये जो है इसको लगा देंगे फॉर्मूला ठीक है ये आ जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है कहाँ पे है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये आ गया ट्वेंटी थाउजेंड ये कैल्कुलेशन आपने खुद से करनी है ठीक है ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई इतना यूजिंग ईज डिजिट ओनली वनसेज सम निकालना है इसके हमने पॉसिबल नंबर फॉर्म करके थ्री जीरो सेवन के पॉसिबल नंबर क्या फॉर्म होंगे गाइज जितने भी होंगे एक होगा थ्री जीरो सेवन एक होगा थ्री सेवनटी एक होगा सेवन ज़ीरो थ्री और एक होगा सेवन थर्टी जब इसका हम सम करेंगे यह आ जाएगा टू वन वन जीरो सो डी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन ईजी है बट uh, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगला जो है ए बी सी पार्टनर्स हैं ये अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशो फाइव इज टू थ्री इज टू सिक्स अगर ए जो है वो इतना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो सी का कितना होगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपको दिया है ए बी सी का वो कितना है फाइव रेशो थ्री रेशो सिक्स इसमें दिया है अब ए का जो शेयर है वो कितना है एज शेयर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट क्योंकि इसका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है फाइव अपॉन क्योंकि ए का क्या है ए का है फाइव तो फिर नीचे वालों को हम ऐड कर देते हैं जितने भी होते हैं ठीक है अब यहाँ पे ए का जो शेयर है यहाँ पे ए अर्न कर रहा है इतना तो वन नाइन टू थ्री एट ज़ीरो ठीक है तो इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई फाइव बाई फोर्टीन इसको ऐड करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा ठीक है जी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा फाइव थ्री एट सिक्स सिक्स फोर ये आ जाएगा इसके बाद हमने क्या करना है हमने सी का शेयर निकालना है सी शेयर सी का शेयर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सी का कैसे निकालेंगे ये है सी ए बी सी ठीक है सिक्स अपॉन फाइव प्लस थ्री प्लस सिक्स तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व यहाँ पे हमारे पास जो निकला है वो कितना निकला है फाइव थ्री एट सिक्स सिक्स फोर मल्टीप्लाई सिक्स बाई फोर्टीन जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकलेगा टू थ्री ज़ीरो एट फाइव सिक्स ए विल बी द करेक्ट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है ए बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सेवन किलोमीटर अपार्ट एंड दे रनिंग टर्ड्स ईच अदर एटीड मीटर पर सेकेंड नाइन मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली हाउ मच टाइम के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे ठीक है तो ये स्पीड वाला जो क्वेश्चन है वो है तो आपके पास क्या है टाइम इज ईगल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड ठीक है जो आपके पास दिया है वन पॉइंट सेवन किलोमीटर दिया है और नीचे है एट और प्लस नाइन दोनों का हमने लगा देना है इट इज़ किलोमीटर इट इज़ मीटर पर सेकेंड तो हमने चेंज भी करनी है इनकी ये ठीक है हम इसको चेंज कैसे करेंगे इसको कर देंगे हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई ठीक है और नीचे आ जाएगा सत्रह जब इसको ऐड करेंगे क्योंकि एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होता है ये आपको पता है सॉल्व करेंगे तो हंड्रेड सेकेंड आंसर आ जाएगा हंड्रेड सेकेंड यहाँ पे दिया नहीं है हंड्रेड सेकेंड कितना होता है वन मीटर फोर्टी सेकेंड सो यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर वन मीटर फोर्टी सेकेंड ए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इंग्लिश कॉम्पोनेंट का है सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड विजनरी विजनरी का एंटोनियम अपोजिट बताना है विजनरी का जो एंटोनियम है वो क्या आ जाएगा प्रेगमैटिक ठीक है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ डैमसिल साइनोनियम सॉरी साइनोनियम का डैमसिल तो डैम्सिल क्या होता है एक यंग अनमैरिड वुमेन तो ये आ जाएगा मेडन सो डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपने इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आइडम का अ स्टोन्स थ्रो अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एक शॉर्ट डिस्टेंस सो डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है आपने एरर बताना है ग्रामेटिकल एरर इसमें से कहाँ पर है ही सा द सेम मैन विच आई सास्टर डे एट द गेट तो आपने बताना है एरर किस में विच आई सा ही इज एट द गेट द सेम मैन देखिए विच जो है ना वो चीज़ों के लिए लगता है

डिनोट्स कम्युनिकेशन विद इन वन सेल दैट नेसेसरली इन वॉल्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग ऐसा कुछ नहीं है इट इज़ अ प्रोसेस एंड विच इन ऐसा भी कुछ नहीं है सो ए विल भी द करेक्ट आंसर ठीक है सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है इनमें से क्या रेफर करता है टू द एबिलिटी आर कॉम्पिटेंस टू एक्सप्रेस वनस फीलिंग नीड्स इंड डिजायर्स ओपनली एंड डायरेक्टली बट इन रेस्पेक्टफुल मैनर एंड विदाउट हर्टिंग वन फीलिंग इस क्वेश्चन का आंसर है असरटिवनेस स का डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है ए विल भी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज नॉट कंसिडर टू बी आ स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ ग्रुप डिस्कशन तो इनमें से क्या इफेक्टिव स्किल नहीं है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए लीडरशिप स्किल होना चाहिए प्लानिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टर्म ग्रेप वाइन इज यूज फॉर जुअल so की कि उसको कुछ करना चाहिए लाइफ में तो वो उसको हम क्या कहेंगे जब आपको अंदर से आवाज आती है कि ये यू हैव टू डू सम वो होता है इनिशियटिव सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है प्रेज रिकोगग्निशन एंड अटेंशन किसका पार्ट है जब आप किसी को रिवार्ड देते हैं प्रेज करते हैं रिकग्नाइज करते हैं अटेंशन देते हैं डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है कैपेबिलिटी टू इवॉल्व द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दियर प्रेजेंट एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपिंग स्किल ठीक है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है रिटर्न और ऑरल कम्युनिकेशन में सो बी विल बी द करेक्ट आपको अरे यार इट इज बी ठीक है रिटर्न कॉम्युनिकेशन और ओरल कॉम्युनिकेशन जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हेन अ पर्सन रिसीव्स टू मैनी मैसेजेस एट द सेम टाइम उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मैसेज ओवरलोड ठीक है सो बी ए विल बी द करेक्ट आंसर मैसेज ओवरलोड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है एज अ ग्लाइकोजन तो कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ये लीवर में होता है सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड अभी अभी मैंने बताया था एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है और ये विटामिन सी है जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है ठीक है सो ए विल बी द करेक्ट जो स्टोन ह्यूमन किडनी में बनता है वो किसका बना होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है हम हम कहते हैं स्टोन है उसको स्टोन का ऑपरेट था तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जलेट सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया हेल्प करता है इन मेकिंग फ्रॉम मिल्क टू कर्ड दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है दूध से दही बनाने में वो कौन सा होता है वो होता है लेक्टोबैसीस सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस हेपाटाइटिस बी हैपाटाइटिस बी को कौन कॉज करता है इट इज़ वायरस सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी गैस जो है एयरोप्लेन के टायर्स में होती है वो होती है नाइट्रोजन और हीम तो यहाँ पर आपको ए की टिक करना है आप नाइट्रोजन के साथ जा सकते हो सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है लीस्ट सॉल्यूबल गैस वाटर में कौन सी होती है लीस्ट सॉल्यूबल गैस वाटर में होती है ये एन टू ठीक है सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइसोटोप एक एलिमेंट का इसमें क्या होता है ऑलवेज क्या होता है इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोप में सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ओम्स ला डज नॉट अप्लाई इनमें से किस में ओम्स ला अप्लाई नहीं होता है इट इज सेमी कंडक्टर्स में नहीं होता है सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रेज यूज इन ओवन ओवन में क्या यूज़ होता है इट इज माइक्रोवेव सो सी विल बी द करेक्ट आंसर माइक्रोवेवस नेक्स्ट है एस पी एम स्टैंड फॉर इट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर फुल फॉर्म पूछा गया है इंपॉर्टेंट है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं जोल या कोलम कोलम पे सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट लॉ जो है इकोनॉमिक से क्वेश्चन है ये मार्केट लॉ की थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी इट इज जे बी से जीन बेप्टिस्टे से सो बी विल बी द करेक्ट आंसर एडम स्मिथ के बारे में क्या जानते हो कमेंट बॉक्स में बताना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडम स्मिथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेपर गोल्ड का क्या मतलब होता है पेपर गोल्ड का क्या मतलब होता है गाइज इट इज अ स्पेशल ड्राॅइंग राइट ऑफ द आई एम एफ ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो 50 मिनट से मैं कॉन्टीन्यूसली बोले जा रही हूँ इस वजह से थोड़ा थक गई हूँ बट uh, कोई नहीं आपका मॉक टेस्ट जो है ये कंप्लीट करवाना है मुझे और आपको रिस्पॉन्स में इस मेहनत के रिस्पॉन्स में आपको वीडियो को लाइक करना है कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखने हैं अपना स्कोर लिखना है सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर भी करना है ठीक है इतना तो आप कर ही सकते हैं आई होप सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इनमें से कौन सा मैथड जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं है बाकी ये तीनों मेथड की हेल्प से हम मेजर करते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी होता है इनकम मेथड भी होता है एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, है।, है। इन्वेस्टमेंट मेथड कोई मेथड नहीं है डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या है मेजरली ग्रीन हाउस इफेक्ट को कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करता है बी विल बी द करेक्ट आंसर जब एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एटमोस्फेयर में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा इकोसिस्टम कवर करता है अर्थ सरफेस का लार्जेस्ट एरिया तो वो कौन सा इकोसिस्टम है पानी सबसे ज़्यादा है सो मेराइन इको के साथ आप लोग जा सकते हैं डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ओजोन होल अंटार्कटिका में कब डिस्कवर किया गया था ओजोन होल डिस्कवर किया गया था 1985 में बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम एज क्या रिक्वायर है गवर्नमेंट uh, की गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या होती है इट इज थर्टी फाइव ईयर्स एल साहब अभी जम्मू कश्मीर के कौन है कमेंट बॉक्स में लिखो बहुत ही चर्चा में है आजकल हु प्रिजाइडेड ओवर द इनागरल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इनागरल सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसको किसने प्रिजाइड किया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज सचिदानंद सिन्हा जी

कौन सी प्लेस में सबसे लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट सबसे लार्जेस्ट डे होता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है तो इनमें से वो कौन सी प्लेस है इनमें से जो प्लेस है वो है मेलबोर्न सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अच्छे से जोग्राफी को पढ़ो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल काम बेल्ट जिनको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं वो किस डिग्री के बीच में आता है ठीक है लैटिट्यूड में कौन से आता है ये हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल काम बेल्ट 30 से 35 डिग्री के बीच में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लेना कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा 30 टू 35 सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिम्बावे को पहले क्या कहते थे जिम्बाबे को पहले रोडोशिया कहते थे सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कनाल जो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ जोड़ती है वो कौन सी कनाल है कील कनाल सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले हां जी ठीक है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ने एक यूनियन टेरिटरी बनाई है लद्दाख की जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है लेजिस्लेचर नहीं है लद्दाख में और जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वन बिकॉफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर ट्रू बताना है एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टोटल सीट्स जो है असेंबली की वो 107 होंगी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम में 107 में से 24 सीट जो है वो पीओके के लिए हमने रिजर्व रखी है देखिए 107 सौ सात डीलिमिटेशन से पहले और डीलिमिटेशन के बाद कितनी होंगी वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है हालांकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि डीलिमिटेशन से पहले 107 थी सो सी विल बी द करेक्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है चीफ ड्राफ्टर कौन था आर्टिकल 370 का बहुत इंपॉर्टेंट है चीफ ड्राफ्टर आर्टिकल 370 का था एन गोपाल स्वामी अयंगर इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें सो ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नया नेवल इन साइन आया है उसमें जो नेशनल एम्बुलम है वो किस शेप में दिया गया है मतलब कि जो बाहर वाली शेप है ठीक है ये जो शेप है ये कौन सी शेप है ग्रीन हेक्सागन ब्लू ऑक्टागन ऑरेंज हेक्सागन व्हाइट ऑक्टागन तो ये जो सिंबल है बाहर वाला ये हमने शिवाजी महाराज के साइन से लिया है इट इज ब्लू हैक्टागन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल एक ये क्वेश्चन और एक आई विक्रांत ठीक है इनको पढ़ के जाना ठीक है नेवी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना और आई विक्रांत के बारे में पढ़ लेना ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके अलावा हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है विक्रमादित्य दो एयरक्राफ्ट कैरियर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है इसलिए कह रही हूँ कि पढ़ के जाना एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल इट इज़ न्यू दिल्ली स्कूल और एजुकेशन के मामले में दिल्ली काफी अच्छा चल रहा है कौन सी कंट्री ने जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी जो है वो होल्ड की है 2022 की इट इज़ इंडोनेशिया इंडोनेशिया की कैपिटल uh, बतानी है अभी क्योंकि चेंज हुई थी ठीक है तो कैपिटल बताओ इंडोनेशिया की याद रखना इंडोनेशिया में होने वाला है सो so, कौन सा इंडिया इंडियन बिजनेस पर्सन रिसेंटली थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गया वर्ल्ड का ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इट 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 इज 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 गौतम अदानी आपने बताना है एज पर दिस रिपोर्ट पहला पर्सन कौन है वर्ल्ड में ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कौन बन गया है फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने हंड्रेड मैच खेले हैं तीनों फॉर्मेट में गेम के जो भी तीनों फॉर्मेट्स है उसमें हंड्रेड मैच कंप्लीट कर दिए इट इज विराट कोहली द सेंसेशन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाम बताना है न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर प्रपोज बाय द इंडियन गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिवर्स के डेवलपमेंट के लिए एक नया मॉडल लाया है उसका नाम क्या है उसका नाम है अर्थगंगा सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पहला हर घर जल सर्टिफिकेट किसको मिला है वह बहुत इंपॉर्टेंट है पहला हर घर जल सर्टिफिक सर्टिफाइड स्टेट कौन सी है इंडिया की इट इज गोवा ठीक है और गोवा स्टेट है ये या आपको याद रखना है ठीक है और गोवा को हमने किससे आजाद करवाया था हाँ बताइए किससे करवाया था ये मैंने आपको पहले भी करवाया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बी जो है बहुत सही है कौन सी यूरोपियन पावर से करवाया था सबसे पहले आए थे ये और सबसे लास्ट में गए हैं तो अब तो बता ही दोगे तो so, आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कौन सी सिटी हैज द हाइस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पर्टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ठीक है अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में हमारी हमारी इंडिया की सिटी ने टॉप किया है तो ये दो हमारी है ये तो हमारी है नहीं ये भी हमारी है नहीं तो वाराणसी और न्यू दिल्ली में कौन सी है यह न्यू दिल्ली सी विल बी द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे आपके हो गए जी 120 क्वेश्चन ख़त्म अब आपने मुझे बताना है एक में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और 150 में से आपका कितना स्कोर आया है अगर ये 99 प्लस है तो आप बहुत अच्छे से चल रहे हो बहुत अच्छा चल रहे हो अगर नहीं है तो मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है ठीक है और ऐसे ही अपना प्यार दीजिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और मेरा गला बहुत ज़्यादा थक गया है एक घंटा हो गया है Thank you so much and God bless you all.